हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल चाहत सुशांतो ब्लॉग्स। मैं हूं सुशांतो, ये है चाहत। अभी ये सारा बिस्तर रेडी की है, हम लोग सो करके आज लेट से उठे थोड़ा, और ये गर्म पानी कर रहा हूं। मैं अब जाऊंगा दूध लाने, सब्जी लाने जो आज बनेगा, और फिर आज का वीडियो बहुत सारा शूट करेंगे हम लोग। तो मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, ये भी अपना गर्म पानी पी रही है। तुम मेरे को मोटा दिखा रहे हो। तुम तो मोटा है ही। नहीं, मैं मोटी नहीं हूँ। हे गाइस, तो हम यहाँ पे नहा के आ गए हैं, बाल अभी ऐसे ही बस लपेटे हैं, थोड़ा सा लिप बाम लगाए, बिंदी और ये सिंदूर। तो बस आज हम करने वाले हैं तीज मेकअप लुक शूट, और सच बताएं तो बहुत एक्साइटेड हैं इस लुक को लेकर के। और पता है क्या, बहुत लेट हो चुका है। अभी हम लोग सुबह में बस रात की रोटी बची थी, उसको हम लोग घी लगा करके थोड़ा कड़ा करके चाय से खाए हैं, ठीक है। और हम तो टोस्ट से ही खाए थे, और सुशांत रोटी से खाया, जो भी चाय वगैरह और चाय पिए। आज थोड़ा सा काम संडे को ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा रूम क्लीनिंग, वैसे तो रोज ही क्लीनिंग होता है, बट डस्टिंग थोड़ा करना पड़ जाता है सब जो भी है, ये दीवार वगैरह ये। मैं हर संडे को अपना क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, देर बज गया है। पता नहीं कैसे मेकअप लुक शूट होगा जल्दी जल्दी। हम लोग इस बार कहीं घूमने का प्लान नहीं किया है इस संडे, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत दब है इस वजह से। नेक्स्ट संडे को हम लोग प्लान करेंगे, देखते हैं। तो हम लोग आज सोच रहे थे फ्राई मैगी खाएंगे, सूखी वाली मैगी नहीं बनती क्या, गार्लिक मैगी बटर वाली, वो बनाने वाले हैं। और सच बताया तो खाना हम लोग नहीं बनाए, सुबह में सिर्फ काम काम ही। आज पूरा सारा बर्तन क्लीनिंग किए हैं, एक्स्ट्रा बर्तन जो था वो भी क्लीनिंग किए हैं। सुशांत नहीं दिखाया, बोला तुम इतने काम कर रही हो मैं नहीं दिखाऊंगा, उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी। चलो कोई नहीं, तो सारा क्लीनिंग हो गया है, पोछा लगाया, पूरा बेडशीट वगैरह सब चेंज किया आज संडे का, सबको पता ही है आपको। तो आज हम करने वाले हैं तीज मेकअप लुक शूट, और अपने नवरा के साथ मैं रील्स भी बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा रील्स बनता है। कुछ सोचे नहीं है, कुछ गाना सेलेक्ट भी मैं करूँगी इंस्टाग्राम में। और पहले कपड़ा निकाल लेते हैं कि हम तीज में क्या पहनने वाले हैं, और आप सबको दिखाते हैं कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। वैसे मैं सोची थी मेरी संगीत फंक्शन की जो लहंगा है वो पहन के मैं मेकअप लुक शूट करूँ, बट मैं सोची अब अपना ट्रॉली कौन खोलेगा, और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, डेढ़ बज गया है, और हम लोग बहुत लेट हैं, तो हमें लग रहा है आज 5 बज जाएगा सारा कुछ, क्योंकि अभी तो मैगी बनाने जाएंगे हम, उसी में 1 घंटे बनाने खाने में हम लोग को लग जाएंगे। यानी कि 3 बजे से मैं मेकअप लुक शूट करने बैठूंगी, सारा कुछ कर धरते 5 बजने ही वाला है आज। तो आज तो कहीं जाना नहीं है, तो हम लोग सोचे क्यों ना आज घर में ही पूरा काम किया जाए, और थोड़ा खुद पे समय दिया जाए, और थोड़ा रील्स बना के थोड़ा खुश हुआ जाए। तो हम लोग जब रील्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और साथ में रील्स बना के बहुत अच्छा लगता है। तो दिखाते हैं आपको पहले मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो ये खूबसूरत सी साड़ी है जिसको हम पहनने वाले हैं, ये मेरी शादी की साड़ी है, जो मेरे पतिदेव ने मुझे दिया था शादी के, शादी में मुझे चढ़ाया था इन्होंने। तो मैं इसकी ब्लाउज बहुत सुंदर बनाई हूँ, आप देखो ये लटकन कितना क्यूट सा है। तो ये ब्लाउज है, और ये चुनरी अगर काम लगी तो मुझे ओढ़ने के लिए मेकअप लुक शूट करने के बाद, वीडियो शूट करने के लिए। और ये है चुनरी जो कि बहुत ही अच्छी, सॉरी ये साड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बनारसी सिल्क साड़ी है। तो ये साड़ी एक्चुअली बहुत लोगों को पसंद आई थी, जैसे कि मेरी मामी को भी बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी, मुझे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। तो देखते हैं कैसा लुक टर्न आउट होता है गाइस, आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेकअप का सारा सामान निकाल के मैं रखती हूँ, और चूड़ियाँ भी निकाल के मैंने रख दिया है ताकि वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम ना हो। और अब चलते हैं मैगी बनाने दोस्तों। तो ये सब करने में भी बहुत टाइम चला जाता है, क्या ही बताएं, मतलब खोज खोज के सामान रखना, बट कोई नहीं, वीडियो के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारा निकाल के मैं रखी हूँ, अभी नेल पेंट मैं करने वाली हूँ, तो पहले खाएंगे उसके बाद नेल पेंट करेंगे तब वीडियो शूट करेंगे। यहाँ पे नेल पेंट हम कर लिए हैं, और मेरे नेल पेंट थोड़े थोड़े ख़राब भी हो गए, क्योंकि ग्रीन कलर थोड़ी ख़राब सी हो गई है, इस वजह से नेल पेंट पिंक वाली न्यू है। बना रही है मैगी, ये पूरा बटर इसने डाल दिया, ये बटर और ये सब्जी कटी हुई चीज वाला मैगी बनाएंगे, अच्छी क्यूब चीज, और हमारा बन रहा है मैगी। मैं ही बनाने वाला हूँ, बस ये कलछुल चला रही है। हे दोस्तों, तो दोनों मेहनत करके मैगी बना ली है फाइनली, हालांकि मेहनत हम ही किए थे, पतिदेव अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो बात ही अलग है। तो यहाँ पे मैगी बन गया है चीज़ और बटर वाली और गार्लिक वाली, यानी कि सारा कुछ मिला के हम यहाँ बनाए हैं, और यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे हैं। वैसे तो हम लोग खाना नीचे ही खाते हैं, लेकिन मैगी था और
अभी हम लोग गाना बजा रहे थे लेकिन बूफर खराब हो गया है, यानी हम लोग का जो डेक है वो खराब हो गया, एक साउंड काम ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा मूड खराब हो गया है। उसमें भी हमारे आधे घंटे चले गए मैगी बनाते बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी गर्म ही है, हम दोनों यहाँ पे इंजॉय करके मैगी खा रहे हैं। वैसे मैं थोड़ा ही खाई थी क्योंकि मुझे वीडियो का टेंशन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है 3:30 बज चुका है, ठीक है, और मुझे लग रहा था कि आज वीडियो लग रहा शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि पता नहीं क्या हुआ आज का दिन, इतना लेट हम लोग का हर काम में ही लेट इतना हो रहा था कि मतलब डिले 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 सारा काम हो रहा था गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों वैसे साथ में ही हमेशा भोजन करते हैं, तो यहाँ पे एक ही प्लेट में हम लोग मैगी लेके और साथ में खा रहे थे। यहाँ पे मैं सुशांत को बोली तू मुझे मैगी खिलाओ, बोलता है नहीं पहले कैमरा बंद होगा तब खिलाएंगे। उसके बाद कैमरा बंद करके मुझे खिलाया भी था मैगी, ठीक है। तो कैमरा पे बाबू शायद थोड़ा साई है, हालांकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग मैगी इंजॉय कर रहे थे दोस्तों, और मैगी बहुत टेस्टी बना था मैंने, बट थोड़ा सा खाया था, वीडियो का प्रेशर हो रहा था मुझे क्योंकि मुझे लगा मैं ज्यादा ठूस ठूस के खा लूंगी तो फिर मेरा पेट थोड़ा सा ब्लोटिंग हो जाएगा, क्योंकि मैगी खा के आप सबको पता है थोड़ा तो होता है यार, मेरा तो होता है, मैं बहुत कम मैगी खाती हूँ कभी कभी, और जब भी खाती हूँ तो थोड़ा अच्छे से बना के खाती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग मैगी इंजॉय कर रहे थे दोनों बातें कर करके अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो इसको, अब ये लगा रही है मेहंदी, चाइनीज मेहंदी लाइए खरीद लीजिए। बोल रही है मुझे वीडियो शूट करना है, मुझे मेहंदी लगाना है, मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मेरा मेहंदी निकालो। हम लेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। हे गाइस, तो लाइन कट गई है और 2 घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, पता नहीं लाइन कट गई है। और ये आप देखो मैं मेहंदी लगाई हूँ जो कि है चाइनीज मेहंदी कुछ करके, जो बहुत जल्दी लाल हो जाता है, 5 मिनट वाला, आपने देखा था मैं लगा रही थी। साड़ी वाड़ी हम पहन लिए हैं, मेकअप भी कर लिए हैं, लेकिन लाइट नहीं है, पता नहीं रील्स कैसे बनेगा। अभी हम चलते हैं बाल बनाने। तुम हंस क्यों रहे हो? और चना फूलने भी हम भूल गए थे देने, इतना चना फुलाया है अभी रात को हम लोग, चना और पूरी का सब्जी, पूरी और चना आलू का सब्जी बनाएंगे। तो हम फटाफट अभी बाल बना के रेडी होते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं दोस्तों रील्स बनाने के बाद। तो देखो गाइस, 1 घंटे से हम लाइन का वेट कर रहे हैं, और क्या आज हम आपको बताएं ना, आज का दिन ही अजीब सा हो रहा है, क्या ही मेकअप लुक शूट करेंगे, क्या तेज का मेकअप लुक करेंगे, लाइट ही चली गई है और अंधेरे में हम बैठ के बस वेट कर रहे हैं। सुशांत बोला सनलाइट मतलब हमसे बोला छत पे जाकर के हम बस 1-2-3 रील्स निकाले जो कि छत पे थोड़ा रोशनी आ रही थी क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6 दोस्तों, ठीक है, और 6:30 मैं ऊपर गई थी, सनलाइट तो नहीं थी, मतलब जो बारिश वाली लाइट थी उसमें मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट की, और उसके बाद जब मैं नीचे आई 6:30 तब लाइट आई थी। तो आप देखो यहाँ पे अब मेरा वीडियो शूट सारा हो गया था और मेरा बस लाइट आई, अब मेरा मूड ही नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं कुछ वैसा करूं क्योंकि बस मेरा मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यार मतलब इतना वेट किए, इतना एक्साइटेड थे इस लुक को लेकर के, बट क्या कहें आपको। फिर भी हाँ 2-3-4 फोटो अच्छा क्लिक मैंने कर लिया बाहर के लाइट में ही, लेकिन जैसा सोचे थे हम दोनों वैसा मतलब वैसा हम लोग नहीं बना पाए, रील्स भी कुछ खास नहीं बन पाया क्योंकि शांत का शर्ट ही आयरन नहीं हुआ था, और क्या बोले बस मूड खराब हो गया था दोस्तों। हे गाइस, तो हमने अपना सारा कुछ हटा लिया है, मेकअप छोड़ के, तो जैसा हमने सोचा था कुछ भी वैसा हुआ नहीं। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ संडे हमारा खराब ही जाता है, और ये संडे को लाइन ही चली गई थी, हम जल्दी 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 सारा कुछ किए उसके बाद लाइन चली गई और इसको आराम हो गया। ये लड़का मेरे साथ रील्स एक भी नहीं बनाया, एक भी रील्स नहीं बना, और बस हम जैसे तैसे रोशनी में हल्का फुल्का किचन में जाकर मेकअप लुक शूट किए और थोड़ा बहुत 1-2 रील्स मैं बनाई क्योंकि मैं साड़ी वाड़ी सब पहन चुकी थी, मेरा मेकअप हो चुका था, बिना लाइट के हमने मेकअप किया सारा कुछ, तो बस हो गया। लेकिन जैसे सोचे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, हम बहुत ही अच्छा बहुत कुछ सोच रहे थे कि रील्स बनेगा ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चूड़ी ये अभी हम नहीं खोले हैं क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है, और ये चूड़ी हम कल लेके आए हैं मार्केट से, और यहाँ चूड़ी इतनी महंगी मिलती है कि 50 रुपये दर्जन, तो हम 3 दर्जन चूड़ी खरीदे, ठीक है,
इतनी महंगी चूड़ी, हमारे यहाँ तो 50 रुपये का 50 चूड़ी मिलता है रे बाबा, यहाँ पे 50 रुपये का 12 चूड़ी मिलता है। तो गाइज ये चूड़ी आप देखो जो कि कल हमारे पाती देव ने दिलाया है, तो तुमको कुछ बोलना है? बाप रे, मालूम है 50 रुपये डजन, 150 रुपये का चूड़ी लिए 3 डजन। हाँ 150 रुपये का, कितना चूड़ी वाला है? 12 × 36 12 एक्स्ट्रा मिला। सुनो पता है कितना बेवकूफ बनाई है वो, तुमको दिखा रहा हूँ, इधर आओ दिखाते हैं। हम जानती हूँ क्या की है, उसका सेटिंग देखो पहले, कोई चूड़ी वहां तो रखा होगा, वो पतला चूड़ी घुसा के वो लोग रखता है समझा, वो उसे मिला के फ्री। हाँ इका है देखो, देखे पतला चूड़ी घुसा करके ये फ्री वाला 3 देती है, अभी रखा होगा उधर पतला वाला निकाल के हम रखे हैं। तो ये है चूड़ियाँ जो कि हम कल लेके आए थे, और बहुत शाम हो चुका है तो हम लोग सोचे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे घूम के आते हैं, क्योंकि पैदल जाएंगे। सुबह से पूरा काम करके, और जैसा सोचे थे वीडियो शूट वैसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। और ये आप देखो फटाफट हम चाइनीज मेहंदी भी लगाए थे यार, पता है जो हम लोग का गया मेहंदी जो मामी ला के दी थी ना, वैसा ये शाइनिंग नहीं है, ये दूसरे टाइप का शाइनिंग है समझा, ये वैसा मेहंदी नहीं है। तो हम जो अपने घर में लगाए थे चाइनीज मेहंदी, उसकी कलर की बात ही अलग थी, वो एकदम मस्त वाला रेड कलर था, रेड कलर। ये देखो कैसा हुआ है, ये तो मतलब जो नॉर्मल मेहंदी होती है वैसे ही कलर है। हाँ 2 मिनट में कलर आ गया, बट ये उतना अच्छा नहीं है, आप देखो कलर उतनी अच्छी नहीं चढ़ी, बट फटाफट हम जैसे जैसे मेहंदी लगाए थे वीडियो शूट करने के लिए इतना कुछ किए, और रील्स अच्छा बना नहीं, तो कुछ रील्स बस बना लिए, आप जाके देख सकते हैं मेरे चार सिंह ऑफिशियल मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो मिलते हैं गाइस थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करने के बाद, और आपको भी ले चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। हेलो, घूम के नहीं आ सकता था, सफारी आ गया यहाँ पे, लपसे देखो रुक दिया, आगे आगे मुझे दिक्कत होता है, भूल जाता है, तुम्हारा अच्छे से वीडियो नहीं बनाया मेरे साथ, सुना यहाँ पे 2 प्लेट पानी को दिखा लिए, बस मन हुआ कि चलो पानी को दिखाया जाए, और घर आ गए थे उसके बाद, यानी कि शाम के 7:30 बज ही गए हैं, और यहाँ पे इसको देखिए कैसे बैठा है। क्या हुआ? गाइस तो आप देखिए ये क्या किया है, बैठे बैठे देख सकते बैठे बैठे ये लड़का टेबल तोड़ दिया, इसका काम यही है सब तोड़ना। गाइस तो हम लोग अभी चाय वाय पी लिए हैं, और चाय काफ़ी लेट पिए हैं क्योंकि हम लोग घूम के थोड़ा लेट से आए, तो दूध रखा था इसलिए हम लोग चाय बना के पी लिए, और अब जा रहे हैं चना आलू की सब्जी बनाएंगे और मेथी की पूड़ी बनाएंगे। वैसे हम काबली चना का छोला बनाने वाले थे, लेकिन क्या हम बताएं, आज सुबह से ही इतना ऐसा लग रहा है जैसे टाइम बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब आज हम लोग पहले तो लाइन के चक्कर में हम लोग 1.5 घंटे ऐसे बैठे रह गए, लाइट नहीं आई और पानी था तो लाइन नहीं, इस अगर में हम लोग, और मौसम भी मतलब धूप नहीं थी लेकिन पूरा बादल मौसम था, जिसकी वजह से हम लोग लाइट में भी फ़ोटो शूट कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। रूम में लाइट चाहिए होता है, ठीक है, और रूम खोल के हम लोग फ़ोटो शूट नहीं करते हैं वीडियो वगैरह, जिस चक्कर में हम लोग रील्स नहीं बना पाए, बस 1-2 रील्स ऐसे ही बनाए, और मेरा खुद का छत पे ही जा करके बगल की एक है जो शानी का है, वो मेरा 2-3-4 फोटो क्लिक की, और 2-1-2 वीडियो बस ऐसे ही हम निकाले। मतलब इतना शौक से हम आज सारा कुछ निकाले, आपने देखा मैं सब कुछ कर रही थी, और लास्ट में लाइट की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़, टाइम इस वजह से भी बीता आज बहुत जल्दी, क्योंकि सबसे पहले तो आज बहुत काम वाम ये सब तो था ही, दूसरी चीज़ कि हमारा जो डेक है यानी कि जिसमें हम लोग गाना सुनते हैं, तो वो पता नहीं एक उसका जो बुफर है वो काम ही नहीं कर रहा है, वो पता नहीं उसमें भी हम लोग का टाइम मतलब आधा घंटा चला गया, मतलब यही सब करते करते समय भी बीत गया। लास्ट में जब हम लोग रेडी वेडी होने लग गए तो लाइट चली गई, सुशांत का शर्ट भी एरन नहीं हो पाया जिसकी वजह से वो रील्स नहीं कर पाए, और हम साड़ी पहन चुके थे तो बस जैसे तैसे शाम वाली लाइट किचन में आ रही थी उसी से हम मेकअप अपना शूट किए। तो बस आज का दिन ऐसा ही निकल गया, अब हम जाते हैं सब्जी बनाने और पूड़ी बनाएंगे हम लोग, रात में खाएंगे क्योंकि सुबह में हम लोग मैगी ही खाए हैं, अभी चाय टोस्ट हुआ है हमारा, सिंपल सा नाश्ता मेरे लिए जो कि हैवी है,
मुझे चाय चाय टोस्ट मतलब एक टोस्ट और चाय लेकर के मेरा पेट भर जाता है। तो बस हस्बैंड जी के लिए बनाना ही पड़ेगा और मैं भी तो 3-4 पूड़ी खा लूँगी। 10 बजे तक भूख लगी जाएगी, तो 10 बजे हम लोग आज लेट से ही हमको लग रहा है खाना भी खाएंगे क्योंकि 8 अभी ही बज गया है गाइस। और चलते हैं। ये कचौड़ी का आटा सना है जो कि हमारे पतिदेव जी साने हैं और थोड़ा कड़ा आटा साने हैं आज क्योंकि कचौड़ी बनाना था हमें। और यहाँ पे बगल में सब्जी हम चढ़ा दिए हैं। आजकल जब से मेरा थोड़ा तबीयत खराब हुआ है पतिदेव बहुत मेरी मदद करते हैं, मिल मिल के हम दोनों काम करते हैं क्योंकि उसको भी पता है सुबह से आज हम बहुत काम किए हैं, तो शाम में वो मेरा आज हेल्प किया आटा छान के। और यहाँ पे पार्सल मुझे नया रिसीव हुआ है जो कि है जीन्स, जिसको मैं मंगवाई हूँ बर्थडे में पहनने के लिए। ठीक है, तो बर्थडे व्लॉग भी आएगा दोस्तों बहुत जल्द। हेलो गाइस, तो हम लोग गए थे मार्केट से आ गए गुपचुप खा के और अब हमारे घर बनने जा रहा है खाना, आलू चने की सब्जी और पूरी, और मैं बनाऊंगा। ये मैंने आटा सान के गोली बना के रखा हूँ। ये हमने इसमें आलू चने की सब्जी चढ़ाई और ये हमारा तेल उबल रहा है, इसमें हम पूरी छानेंगे और ये बेलेंगे। दिख रहा है आगे मेरे इधर से ना दिख रहा है इधर करेगा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। और तुम देखो ना, दोनों को आएंगे मैं छोड़ दूंगा, 3 बॉल आएगा आराम से, 1 में आलू 1 में प्याज, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लगेगा। अरे उसका मिलता है ना, अरे वहीं से लाएंगे। निकालना पड़ेगा देखो ना, अंदर कहीं होगा उधर प्लास्टिक में, निकाल दे ना।
सुबह जाने का है या तब आप जा भी सो रहे हो क्या? नहीं तो फिर देती हूं बोलो, फिर वो 5 बजे जा रहे सुबह। दाल की भगा दी लाके, वो खाना बना रही है हमारे घर में, मैंने दाल चावल सब्जी और पूरी। क्या है यार? बैल पूजा कल है, बैल पूजा आज। मस्त लगा ना मेरे पापा ने, बहुत मस्त लग रहा वो, लेकिन हम लोग क्या नहीं चल रहा है ना, इसलिए हम लोग नहीं ला सकते। हम लोग दूसरे शो के लिए रख सकते ना। हाँ शो के लिए, हमको लगा शो के लिए ही है। उसकी पूजा करते हैं फिर उसको रख देते फिर अगले साल निकालते। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं दिवाली का, दिवाली में सब करेंगे हम लोग। फिर हाँ अगले अब गणपति आएगा, उसके आगे साथ दुर्गा माता आएगी। अभी गणपति आ रहा है ना, साड़ी पहनना मंगल सूत्र चप्पल ज्वेलरी मंगाया हम ऑनलाइन पूरा हैवी। आप देख सकते हैं मांझा नवरा मेकिंग पूरी मस्त मस्त, हटो ना रेड वाली पूरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी चल रहा है, हम यहाँ बेच रहे हैं। ओहो यार देखो यहाँ बेल रहे धीरे धीरे हम, और यहाँ पे चना आलू की सब्जी बन रही है। और हमारे पाती इधर देखो ना, नहीं देखोगे तुम, नहीं दिख रहे हो। आप देख सकते हो गाइस हमने खाना बनाया, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और बहुत लेट हो गया आज फिर खाने में, सारा काम लेट लेट हुआ आज। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग नहीं अभी 12 बज रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट डे का ये सूट है। हम लोग कल खाना खा करके और बस मूवी देखने लग गए थे जो कि था महाराजा, और वो मूवी बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना। आई थिंक तमिल की मूवी है, ठीक है, बहुत अच्छी लगी मुझे वो मूवी। मैंने उसका रिव्यू देखा था तो मैं सुशांत को बोली इसको डाउनलोड करो, चलो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा घर पे बात करने में हम लोग को काफ़ी लेट हो गया, उसके बाद हम लोग मूवी देखे महाराजा और 2:30 या 3 बज गए हैं। हम लोग 2 या 2:30 बजे तक मूवी ख़त्म हुई थी और हम लोग 3 बजे सोए दोस्तों। तो कल ब्लॉग ख़त्म ही नहीं कर पाए थे, हम सोचे आज इसको एंड करें क्योंकि आज है मंडे और सुशांत ड्यूटी चला गया है। हम लोग आज सुबह को मतलब लेट से उठे भी, यानी कि 7:30-8 बजे गए थे, तो बस सुशांत ड्यूटी गए और हम सारा काम हम करके अभी बस ऐसे ही नहाए हैं पानी से ही। और आज मौसम बहुत ठंडी है क्योंकि शायद कहीं कहीं तो आसपास में कहीं तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो मौसम थोड़ी ठंडी है और बारिश हो रही है। यहाँ पे मौसम किस बारिश हो रही है, यहाँ पे सारा काम हम कर वर के आपको मौसम दिखाने के ला रहे हैं। तो देखो कुछ ऐसा बादल बादल है, अभी थोड़ी देर पहले फिस बारिश हो रही थी, तो मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए ठंडी मौसम है। मान बोला पहले कि तुम मत नहाना, मौसम का वो है ठंडी ठंडी, ठीक है, तो वो बोला तुम मत नहाना। और मेरे को क्या है, मेरे को फ्रेश होने के बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद सारा काम करने के बाद नहीं नहाओ मन ही नहीं पड़ता है, मतलब क्या ही बोले। तो हम बस नहा लिए, नहा के और बस पानी से ही नहाए और अब
कुछ खाएंगे। वैसे सुबह में हम लोग ब्रेड और बटर खाए थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही खा लिए थे, क्योंकि हम लोग सुबह में नाश्ता कुछ नहीं बनाए, क्योंकि हम आपको बताया कि रात को ही 3 बजे सोए। हम लोग अब से प्लानिंग की है कि हम लोग रात में कभी भी मूवी संडे को नहीं देखेंगे, क्योंकि संडे के बाद आता है मंडे, ठीक है। और मंडे को क्या होता है, सुबह में उठना जल्दी होता है, सैटरडे संडे थोड़ा देर तक हम लोग सोते हैं, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है। हम लोग प्लान किए हैं कि कभी भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग वीडियो शूट भी करेंगे शनिवार को ही, और मूवी वगैरह कुछ वैसा देखना होगा तो शनिवार को ही देखेंगे, ताकि संडे को थोड़ा रेस्ट दें हम लोग और थोड़ा कुछ बना के अच्छे से खाएं। क्योंकि आपने देखा कल पूरा दिन संडे, मतलब देखो थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे बिल्डिंग में थोड़ा पानी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि संडे को बहुत लोगों को छुट्टी होती है ना, तो सब कपड़ा उपड़ा धोते हैं सब जो भी है, एक उसका टेंशन होता है, दूसरी लाइट की भी टेंशन होती है, पता नहीं अवश्य करके संडे को हालांकि भागती है। मतलब संडे को जब भी हम ब्लॉग कंटिन्यू किए हैं ना, कभी पूरा अच्छे से हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना, मतलब वीडियो शूट, ठीक है। इसलिए हम लोग प्लान किए कि सैटरडे को ही कोशिश करेंगे कि जो भी अगर वीडियो शूट करना हो, रील्स बनाना हो, तो सैटरडे को करेंगे, संडे को सिर्फ ब्लॉग बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से सारा रील्स वगैरह और सब कुछ अच्छे से कवर करें, और नेक्स्ट ब्लॉग में हो सकता है हम लोग शायद क्या बोलते हैं पुणे जाएँ, ठीक है, स्टार बाज़ार जाएँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारा सारा राशन ख़त्म हो गया है और बहुत कुछ ख़त्म हो गया है खाने पीने का सामान, तो हो सकता है तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी, मतलब क्या क्या, मतलब बस वही जो भी है व्लॉग आएगा नेक्स्ट, ठीक है। गणपति आ रही है तो गणपति के दिन भी हम लोग कोशिश करेंगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं। तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, यानी कि वेडनेसडे को, ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे को हम आज, मतलब मेरा, हम वैसे सोच रहे थे फ्राइडे को गणपति का कुछ भी वैसा वीडियो शूट करने के लिए, बट देखते हैं वेडनेसडे को ही कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे आप सबसे वेडनेसडे के व्लॉग में गाइस, ठीक है। ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे पता है थोड़ा रील्स वगैरह सही से नहीं हो पाया, बट हाँ वीडियो बस जो जो हमने किया वो आपको दिखाए, हम थोड़ा सा बस लाइट की वजह से प्लान हमारा थोड़ा चौपट हो गया संडे का, ठीक है। वेडनेसडे के ब्लॉग में आप सबसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारी बातें और बहुत कुछ के साथ, ठीक है। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो लाइक माय वीडियो गाइस, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लॉग अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मिलेंगे आप सबसे गणपति ब्लॉग में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।